स्टडी सोल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज डेट है 23 मार्च और हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर इन इंडिया? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष बेनीवाल, सेकेंड गौतम हिलवानी, थर्ड गौरी सावंत, फोर्थ हितेश सुमन। तो इसका आंसर आपको गौरी सावंत है इसका आंसर। एंड जैसे कि आप ये नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं उनका पिक्चर है। एंड अभी ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है बिकॉज अभी इलेक्शन फेज चल रहा है। एंड इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन याद होना चाहिए कि अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के। तो उसका सही आंसर है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा अभी के इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन चाइना एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? तो इसका आंसर है आपको इटली। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज अभी देख रहे हैं हम लोग कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है बिकॉज पाकिस्तान में इकोनॉमी जिस तरह से ठप हो गया है तो उतने रिटर्न्स नहीं आ पा रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है कि इटली जो कि बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है नाटो में वो ज्वाइन होने वाली है। और जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि किस किस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस है आपको कसगार तक है एंड देन फिर वहाँ से आपका अभी तक था तुर्की में सबसे इसका लास्ट पोजीशन था तुर्की इस्तांबुल। बट अब ये और भी एक्सटेंड हो जा रहा है और ये इटली तक पहुँच गया है बिकॉज लास्ट हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से जिनजियांग प्रोविंस से इस्तांबुल इजिप्ट तक जा रहा था, ट्रेन सर्विस जा रहा था इधर से। ओके, एंड देन इधर हम लोग मैरीटाइम सिल्क रूट का बात करते हैं तो श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, केनिया का भी पोर्ट है एंड ये डिजिबूती साउथ अफ्रीका में है ये भी इसका पार्ट है एंड यहाँ म्यांमार का चिटगोंग पोर्ट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मित्र शक्ति इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी मालदीव्स, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एंड आप लोग देख सकते हैं इस पेज पे मैंने दे दिया है आपको सारा युद्ध अभ्यास है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का एंड कुवेरीन है इंडियन मालदीव्स का आर्मी एक्सरसाइज है एंड मित्र शक्ति यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया श्रीलंका का आर्मी एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोग को देखना हो तो आप ये पॉज करके यहाँ पे वीडियो एंड देन आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द ज्वाइंट एक्सरसाइज सर अर्का एंटी टेरर 2019 टू बी हेल्ड दिस ईयर इज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? ब्रिक्स, नाटो, SCO, OECD, OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, SCO का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके आप लोगों को हेडक्वार्टर्स भी याद होने चाहिए बिकॉज अभी SCO बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर है SCO। ये रैट्स करके है रीजनल एंटो टेररिज्म स्क्वाड, उसी का ये पार्ट है एंड देन सर अर्का एंटी टेरर इसी ने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वेयर इज गोलान हाइट इज लोकेटेड? सो एक्चुअली ये गोलान हाइट अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज USA ने इसको लेकर के गोलान हाइट को इसराइल का एक पार्ट माना है जिसके कारण तुर्की एंड अदर जो भी इस्लामिक कंट्री हैं उन्होंने बहुत ही अपोज किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं कि वेयर इज गोलान हाइट इज लोकेटेड, ऑप्शन नंबर ए है मिडिल ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल एशिया, ऑप्शन नंबर थ्री है नॉर्दर्न एशिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, सो
बढ़ते हम लोग इसका आंसर पहले जान लेते हैं। इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन भी मैं आगे में लिखा हूँ, देन उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ, तो आप वो आगे देख लीजिए। इसका आंसर है आपका मिडिल ईस्ट। ओके, एंड अभी फिलहाल ये इसराइल का पार्ट है जो कि ऑक्यूपाइड है, वार हुआ था जॉर्डन के साथ, लेबनन के साथ, एंड देन इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलान हाइट शेयर बाउंड्री विथ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर 1 है इराक, ऑप्शन नंबर 2 है अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर 3 है इसराइल, ऑप्शन नंबर 4th है ईरान। तो इसका तो मैंने आंसर पहले ही आपको बता दिया है, इसराइल है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें आप इस इमेज में आप पूरा देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गोलान हाइट है, एंड देन उसके साथ सीरिया बॉर्डर किया हुआ है, लेबनन बॉर्डर में है, इसराइल है एंड जॉर्डन है। और यहीं पे आपको नीचे थोड़ा जाइएगा तो यहाँ पे डेड सी आपको मिल जाएगा। ओके, जो कि सबसे खारा पानी जहाँ का है, आप लोगों को पता होगा ये, एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट भी वही है, यहाँ गोलान हाइट है आपको ये मिल गया, एंड फिलहाल ये इसराइल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 33rd एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इनोग्रेटेड इन ऑर्डर टू इन्हांस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है पोर्ट ब्लेयर न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर 3 बैंकॉक है, ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर है। तो इसका सही आंसर पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु रिलीजेज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट? ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर 2 SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है SDSN। ओके, एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। व्हाट इज इंडियाज रिसेंट रैंकिंग इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? ऑप्शन नंबर 1 130, 133, 140, 170। तो इसका आंसर है 140 है आंसर, एंड इंडिया का रैंक डिक्रीज हो गया है पिछले बार के कंपैरिजन में, इंडिया का रैंक नीचे गिर चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपडेट रखने के लिए। थैंक यू अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।